Hello everyone, welcome back to Mumta Nival tutorial, and in this video we're going to continue the same chapter which name is biotechnology and its application, and this is the chapter 12th of 12th class biology book. So let's start with the new topic, biotechnological application in medicine. So medicine ke andar ab biotechnology kaise help karti hai? It enable mass production of safe and more effective therapeutic drugs. जो ड्रग्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जो काफी सारी डिजीज को जो कॉज जो क्योर करते हैं, वो वाले जो ड्रग्स होते हैं ये काफी सेफ भी होते हैं अगर हम उसको बायोटेक्नोलॉजिकली वे से अगर बनाए जाते हैं, और उनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी काफी हाई होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मली हम जैसे पहले निकाला करते थे, जो ड्रग्स जो निकाले जाते थे पहले करते थे उसके कम्पेयर में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं तो ड्रग्स जो होते हैं काफी सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है. जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियर जो इंसुलिन होता है वो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, बायोटेक्नोलॉजी का काफी सक्सेसफुल एग्जाम्पल है. जो इंसुलिन होता है वो यूज किस लिए किया जाता है, जिनको डायबिटीज होती है तो उनको इंसुलिन जो होता है बाहर से दिया जाता है. वॉज अर्ली एक्सट्रैक्टेड, जो इंसुलिन था वो पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, वो पेनक्रियाज से किया जाता था. जो एनिमल्स मर जाते थे जैसे कैटल या पिग्स जो होते थे उनको मार दिया जाता था या जो मर जाते थे उनके जो पेनक्रियाज होते थे वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंसुलिन. तो बट लेकिन जो ये इंसुलिन था वो काफी हद तक ह्यूमन जैसा था, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को उससे एलर्जी और काफी सारे जो साइड इफेक्ट या रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा थे, और काफी सारे ऐसे केस देखे भी गए हैं जिससे ये जो इंसुलिन है वो बॉडी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं, ह्यूमन बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया. तो अब जो इंसुलिन होता है, क्योंकि डायबिटीज जो होती है वो तो बहुत ही कॉमन डिजीज है, हर घर में डायबिटीज हो जाती है, तो इसके लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ज्यादा चाहिए और जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इतना प्रोडक्शन कर नहीं पाती है. तो कहाँ से लेके आया जाए? तो इंसुलिन वैसे होता क्या है, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, तो दो छोटी सी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है जिसको हम चेन ए बोलते हैं और चेन बी बोलते हैं, एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जो ए चेन होती है और बी चेन होती है ये लिंक्ड होती है इनसे. तो बस एक ऐसा छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है इसका इंसुलिन का, जो काम कर देता है डायबिटीज के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता दे देता है. तो अब क्या है, ये हमारे पास आएगा कहाँ से, कैसे बनाया जाए? तो कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत काम किया लेकिन एक सक्सेसफुल चीज बन नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, जो सी पेप्टाइड था वो पहले तो बनता था बॉडी के अंदर, अगर पहले देखा जाए तो जब वो इनमेच्योर फॉर्म में होता है तो सी पेप्टाइड भी होता है, ए बी के साथ एक सी भी होता है, लेकिन जब वो जो इंसुलिन मेच्योर होता है तो रिमूव ये क्या हो जाता है, ये जो सी पेप्टाइड हो जाता है ये रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन. तो जैसे ही इंसुलिन मैच्योर होता है तो ये जो सी पेप्टाइड होता है वो चला जाता है, सिर्फ ए और बी रहता है. तो ऐसे कैसे निकाला जाए, तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया है इन 1983 के अंदर, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी जिनका नाम था एली लिली. ये कंपनी ने एक डीएनए सीक्वेंस किया गया, यानी प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी. तो ऐसे सीक्वेंस बनाई उन्होंने जो जो ए चेन है उसके जैसी और बी चेन है उसके जैसे, चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, एंड इंट्रोड्यूस देम इनटू द प्लास्मिड ऑफ ई कोलाई. तो ई कोलाई के प्लास्मिड के अंदर डाल दी. जैसे ही ई कोलाई डबल होगा यानी डिवाइड होगा तो साथ साथ जो हमारी ए चेन होगी और बी चेन जो होगी वो भी डिवाइड होगी. तो कुछ जो सेल्स होंगे वो ए चेन के अंदर डाल रखे, ए चेन का वाला डीएनए डाल रखा है, और कुछ सेल्स के अंदर बी का डाल रखा है. अब क्या होगा, हमारे पास दो प्रोडक्शन आ जाएंगे, यानी प्रोडक्शन ए चेन की प्रोडक्शन आ जाएगी एक जगह पे और बी की. ये दोनों हमने सेपरेट सेपरेट बनाए और बाद में इन दोनों चेन को क्या किया गया, कंबाइन कर दिया गया. यानी जो सी की प्रॉब्लम थी, सी चेन की, वो प्रॉब्लम आई नहीं, इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से आर्टिफिशियली ज्वाइन कर दिया गया. तो एक ये नॉर्मल तरीका था जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल लगभग सेम वही जीन होती है जैसे ह्यूमन इंसुलिन की होती है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई एलर्जी वाला पोर्शन नहीं है, तो ये काफी एक सक्सेसफुल रहा था, जो कि इंसुलिन बैक्टीरिया से बनाया गया. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, पहले जो प्रो इंसुलिन होता था उसके अंदर क्या है, जो जो रेड कलर का सॉरी ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये ए चेन है, जो ये जो ग्रे कलर की दिख रही है ये सी चेन है, और जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये बी चेन है. तो ये तीन चेन हुआ करती थी जो कि कुछ पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी है. ये प्रो इंसुलिन है जिसके अंदर ये तीनों चेन हुआ करती थी. बाद में जब मैच्योरेशन होगा तो मैच्योरेशन में क्या आता था, ए और जो बी होता था ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड हो जाता था और जो सी होता था वो निकल जाता, तो ऐसे मैच्योरेशन होता है.
और अगर हम नॉर्मली अगर बैक्टीरिया से बनाते हैं तो सिर्फ ए चेन हमने अलग से प्रोड्यूस करवा दी, बी चेन अलग से प्रोड्यूस करवा दी और उनको कंबाइन करवा दिया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अगली जो एप्लीकेशन है वो है जीन थेरेपी। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी बायोटेक्नोलॉजी की, क्योंकि इससे हम अगर जेनेटिकली हम चीजों को सही कर सकते थे, यानी बहुत सारे डिफेक्ट जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं उनको भी क्योर किया जा सकता था। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस इन द चाइल्ड और एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर, यानी अभी चाइल्ड डेवलप पूरा हुआ भी नहीं है, एम्ब्रियो के अंदर ही हम जो जीन है, जो डिफेक्ट आया है, उस जीन को हम ठीक कर सकते हैं और बच्चे को बिल्कुल हेल्दी बच्चा जो होगा वो प्रोड्यूस हो सकता है। अब देखते हैं जो जीन थेरेपी होती है वो वर्क कैसे करती है। जैसे हमारे पास एक ये सेल मान लीजिए, इस सेल के अंदर हमें पता है कि हमारा कुछ जो डीएनए है, ये वाला जो पोर्शन है ये डिफेक्टेड है, यहाँ पे जो सेल है ये फंक्शनल नहीं है, जिसकी वजह से कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये वाली जीन को क्या किया जाएगा, अगर हमें जैसे पता होता है कि जो फीमेल है या जो मदर है वो इस डिजीज से पहले से ही कैरियर है या फिर पहले से ही उनको वो डिजीज है, तो उससे क्या होगा कि जो चाइल्ड होगा उसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। तो पहले से ही अगर हमें पहले से ही पता हो कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, चाइल्ड में भी हो सकती है, तो पहले से हम क्योर कर सकते हैं। अब ये वाली जो जीन है, जो खराब जीन है, आपको लगता है कि ये वाली जीन जो फंक्शनल नहीं है, जिसकी वजह से जो डिफेक्ट आया है वो हो रहा है, तो इसके अंदर हम न्यू जीन जो होगी, जो सही जीन होती है, वो यूं इसमें इस वाले जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और ये वाले पोर्शन को निकाल देते हैं, जिससे नई जीन जो फंक्शनल जीन होती है वो आ जाती है और जो जहाँ पे लगती कहाँ पे है, ये जो नॉन फंक्शनल जीन थी उसी के प्लेस पे लग जाती है। तो नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन यूं बर्थ टेक प्लेस करता है। तो करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन्स। तो नॉर्मल जीन की डिलीवरी करनी है इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन्स। तो जो नॉन फंक्शनल जीन थे, ये वाली जो जीन जो नॉन फंक्शनल थी, उसको कंपनसेट करने के लिए एक हम नई जीन डाल देंगे जो कि फंक्शनल होगी। तो ये तरीका होता है जीन थेरेपी के अंदर जिसे किया जाता है। जो जीन थेरेपी थी ये सबसे पहले कब दी गई थी, ये 1990 के अंदर दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो प्लीज आप इसे ध्यान रखना कि कब पूछी गई थी और किस डिजीज के लिए जो जीन थेरेपी थी वो पहली सक्सेसफुल जीन थेरेपी कौन सी डिजीज के लिए थी। तो ये एक 4 साल की एक लड़की थी जिसको एक डिजीज थी जिसको हम ADA डिफेक्ट्स बोलते हैं, डेफिशिएंसी बोलते हैं, जो कि एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी होती है। ये क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें उसको फंक्शनल रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो डिसऑर्डर होता है ये कॉज होता ही क्यों है, क्योंकि जो जीन होती है वो डिलीट हो जाती है, जो जो एंजाइम्स की जो जीन होती है, यानी एडेनोसिन जो डीएमिनेज की जो जीन है वो जीनोम के अंदर होती ही नहीं है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आ जाता है। तो अगर हम जो हेल्दी पर्सन की या फिर जहां से भी हम जो हेल्दी जीन होगी उसको अगर हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं उस बॉडी के अंदर, उस सेल के अंदर, उस पोर्शन में जहां से जो जीन है वो डिलीट हुई है, तो हमारा जो नॉर्मल जीनोम बन जाएगा और उसके अंदर ये डेफिशिएंसी जो होगी वो क्योर हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जो 4 साल की लड़की थी उसके अंदर ये डिजीज क्योर की गई। अब देखते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे हेल्प करती है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो डायग्नोसिस किए जाते हैं वो कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कन्वेंशनल मेथड, यानी जिसके अंदर हम डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले कहाँ टेस्ट करते हैं, जैसे सीरम को टेस्ट किया जाता है या फिर यूरिन को टेस्ट किया जाता है, इन सबके जो एनालिसिस किए जाते हैं उससे बताया जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सी डिजीज होने के चांसेस हैं, तो ये कन्वेंशनल मेथड होता है। लेकिन इसमें हम अर्ली डिटेक्शन नहीं किया जा सकता, यानी हम बहुत जल्दी हम ये नहीं पता लगा सकते कि हाँ ये डिजीज इसको हो गई है, क्योंकि जब हाई लेवल आ जाता है बॉडी के अंदर तब यूरिन वगैरह के अंदर या सीरम वगैरह के अंदर हमें दिखना लग जाता है, उसके सिम्टम्स वगैरह जो आते हैं वो काफी हाई लेवल पे आते हैं, हम शॉर्ट लेवल पे हम नहीं देख सकते। और अगर डिजीज को क्योर करना है तो अगर हम छोटे लेवल के ऊपर, फर्स्ट स्टेज के ऊपर अगर हम देख लेते हैं, पता चल जाता है, तो ज्यादा इजी हो जाता है उसको क्योर करना। तो इसके लिए अगर हम कन्वेंशनल मेथड करते हैं तो वो तो प्रॉपरली नहीं हो पाता, लेकिन अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पीसीआर यूज करते हैं या एलाइजा टाइप की, ऐसी अगर कोई भी डायग्नोस्टिक जो टेस्ट करने वाले जो अगर टेक्निक्स यूज करते हैं, तो इससे हम अर्ली
अगले अर्ली हमें डिटेक्शन हो सकती है, यानी हम डायग्नोसिस जो होता है उसका स्टार्ट कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम कब होने वाली है उस पर्सन को। जिसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पीसीआर का होता है। पीसीआर का वैसे नॉर्मल काम बस ये होता है कि एम्पलीफिकेशन करना, जीन जो होगी उसको डिवाइड करने में बता देगा कि हाँ कितनी जीन डिवाइड हो गई, सिर्फ एम्पलीफिकेशन काम होता है। लेकिन ये बहुत हेल्प करता है जैसे HIV होता है उसको डिटेक्ट करने में, कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करने में, और जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको डिटेक्ट करने में। अब हमें ऐसे कैसे हो सकता है, पीसीआर एम्पलीफाई करके हमें कैसे बता सकता है कि अभी तक HIV के इतने ज्यादा सिम्टम्स दिखने लगे भी नहीं है, लेकिन पीसीआर जो होगा वो बता देगा। HIV या कैंसर जो होता है वो होगा क्या कि हमारे अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, एक सेल है वो डिवाइड हो जा रहा है। हमारे पास जो एक जीन है वो बहुत सारे में चली गई है, जो डिफेक्टेड जीन है वो डिवाइड हो चली गई है। तो इसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होगी, HIV हो गया, कैंसर हो गया। अब हमें ये स्टेज आई यानी जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये स्टेज कौन सी होगी, स्टेज 4 होगी, जो कि कैंसर की क्योर नहीं किया जा सकता अगर स्टेज 4-5 में अगर पहुंच जाता है तो। इसी चीज को पीसीआर क्या करता है, अगर अर्ली स्टेज के ऊपर वही एक सेल का जो जीन है आपने वही लिया और उसको वो एम्पलीफाई करता गया तो वो उस स्टेज तक पहुंच सकता है जो चार स्टेज आ जाएगी। जैसे कैंसर की जो 4th स्टेज होती है उसमें सेल बहुत बार डिवाइड हो चुका होता है, जो जीन होती है वो बहुत बार डिवाइड हो चुकी होती है, तो वो स्टेज जो होगी वो अर्ली में पहले में ही बता देगा क्योंकि ये खुद से डिवाइड कर देगा उसको, और आगे क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, उस डिजीज का क्या रिएक्शन हो सकता है, तो वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हम उसके जीन को एग्जामिन करके देख सकते हैं कि इसको HIV होने के चांसेस हैं या कैंसर होने के चांसेस हैं या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो इससे पता लगाया जा सकता है। फिर एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसको हम एलाइजा बोलते हैं, जो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस, ये हर बार लगभग पूछा जाता है, तो आप प्लीज इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी जो ये टेक्निक है वो आजकल बहुत ज्यादा यूज की जाती है और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना। ये किस बेस पे है, ये जो टेक्निक है ये बेस है एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरेक्शन होती है उसके ऊपर। ये होते क्या है, एंटीजन क्या है, पैथोजन्स वगैरह, यानी एक हमारे पास एक जगह पे हम क्या लगा देंगे, पैथोजन के या फिर जो एंटीजन्स होंगी वो हम एक सरफेस के ऊपर लगा देंगे और सेल का जो एक्सट्रैक्ट होगा वो डाल दिया जाएगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं या फिर जो पैथोजन्स अगर प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन्स प्रेजेंट है, तो जैसे ही पैथोजन एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट लगेंगे तो ये दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एक कलर देना स्टार्ट कर देंगे, जो कि एलाइजा का एक मेन तरीका होता है कैसे डिटेक्ट करना। यानी पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन जैसे ही अगर ब्लड में या फिर सेल के अंदर कहीं पे भी अगर एंटीजन प्रेजेंट है, हमने नीचे एंटीबॉडी लगा रखी है उसके खिलाफ, तो जो एंटीजन होंगे वो आके इसके साथ बाइंड कर देंगे और उसको ब्लॉक कर देंगे, और साथ में इसके अंदर रेडियो एक्टिव चीज होती है तो हमें कलर दिखता है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें एक रिएक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरा होता है अगर हमारे पास एंटीजन नहीं दिखता तो हम क्या देख सकते हैं कि बाय डिटेक्शन द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाई जाए अगर पैथोजन के अगेंस्ट, तो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमें जैसे चांसेस हैं कि हमें कोई डिसऑर्डर हुआ है किसी पैथोजन के अगेंस्ट, तो वो पैथोजन के अगर हम जो एंटीजन्स वगैरह होंगे वो हम एक सरफेस के ऊपर लगा देंगे, एक प्लेट के ऊपर लगा देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, हम बॉडी का सीरम वगैरह डालेंगे या ब्लड जो होगा वो हम उसके ऊपर यूज किया जाएगा। अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी इसके खिलाफ लड़ने की, तभी अगर हमारी बॉडी जो होती है एंटीबॉडी क्यों बनाती है, जब उस पैथोजन का अटैक हो गया हो हमारी बॉडी में तो एंटीजन का अगर अटैक हो गया हो हमारी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाती है। तो अगर हमारे पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है और वो इसके साथ बाइंड हो रही है और एक कलर शो हो रहा होगा, इसका मतलब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वो बीमारी हो चुकी है। तो ये भी एक टेक्निक है पहले डिटेक्ट करने के लिए या फिर चेक करने के लिए कि जो बॉडी है वो हेल्दी है या फिर वो डिजीज्ड वाली है। अब देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, यानी जो एनिमल्स के जो जीन्स होती हैं उनके अंदर कुछ मैनिपुलेशन अगर हो जाती है तो उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। यानी एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड
टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्सटर्नल फॉरेन, जो एक्स्ट्रा फॉरेन जीन जो होगी, अगर उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनके जो डीएनए होता है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट की गई हो, तो उसको हम सबको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलेंगे। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं वो लैब्स के अंदर बनाए जाते हैं, अलग से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट जो हो वो हम कर सके। तो ये प्रोड्यूस होते ही क्यों है, इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, यानी अगर हमारी जो बॉडी होती है उसके ऊपर हमें स्टडी करनी है तो हम डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी नहीं ले सकते किसी भी स्टडी के लिए, या फिर किसी ड्रग्स की स्टडी के लिए, या फिर किसी जीन का रेगुलेशन कैसे किया जाता है उसके लिए हम डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी नहीं ले सकते। इसके लिए हम कोई ना कोई ट्रांसजेनिक एनिमल की बॉडी का यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है, टू अलाउ दिस स्टडी हाउ जीन आर रेगुलेटेड, यानी जीन्स कैसे रेगुलेट किए जाते हैं, हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन, और नॉर्मल फंक्शन को कैसे इफेक्ट करते हैं, यानी अगर जीन के अंदर हम कुछ चेंजमेंट कर देते हैं या फिर जीन जो होता है अनफंक्शनल कर देते हैं उसको, तो उससे नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफेक्ट करता है, क्या फर्क क्या पड़ता है उसका, एंड बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, तो बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है और डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी अगर स्टडी करनी होती है तो उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स की यूज किया जाता है। फिर आता है स्टडी ऑफ डिजीज, अगर डिजीज की स्टडी करनी हो तो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है। तो ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं कि उस डिजीज के अगेंस्ट, यानी दे आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग, कि हम कैसे समझ सकें उस डिजीज के बारे में, ऑफ हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, तो कौन सी डिजीज कैसे बन रही है, जैसे कैंसर है तो हम एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते कि ह्यूमन बीइंग में कैंसर हुआ है या नहीं हुआ, तो इसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स लेते हैं, उसके ऊपर चेक करके देखते हैं कि ये वाली जीन क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे डेवलपमेंट कर रही है, कैसे वो डिजीज कॉज कर रही है। तो डिजीज स्टडी के लिए भी हम यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कुछ बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज किए जाते हैं, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल ऑफ डीएनए और जीन्स, जो डीएनए और जीन्स विच कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो ये ऐसे भी होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होते हैं उसको कोड करते हैं, जैसे प्रोटीन, जो ह्यूमन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे अल्फा वन एंटी ट्रिप्सन जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, ये ट्रीट करता है हमारी एक डिजीज को जिसे इपिफाइसीमा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिजीज को या फिर कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है किसी बॉडी से तो भी यूज किया जाता है। वैक्सीन सेफ्टी के, अगर सेफ्टी चेक कर दिए कि वैक्सीन कितना सेफ है तो भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की यूज किया जाता है। तो ह्यूमन के अंदर जो टेस्ट करने से पहले ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं, अगर हमने जैसे बॉडी में अगर एक वैक्सीन बनाई जाती है, यानी सॉरी लैब के अंदर अगर वैक्सीन बनाई जाती है, क्रिएट की गई है, इस वैक्सीन को हम डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं करके देखते, पहले उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट करके देखेंगे। अगर वो सक्सेसफुल रहता है उस डिजीज, उसके बाद उसके अंदर एंटीजेंस भी डाल के देखेंगे उस डिजीज के खिलाफ, तो अगर वो लड़ लेता है, अगर वो सक्सेसफुल रहता है, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर चीजें जाती हैं, पहले डायरेक्टली नहीं जाती। फिर जो आते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी की जाती है इनके ऊपर, यानी अगर कोई केमिकल है उसके ऊपर देखना है कि उसका रिएक्शन कितना होता है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या चीज कराई जाए। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव, तो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं जो टॉक्सिक हमें डालना होता है, जैसे नॉर्मली जो सब्सटेंस होते हैं या फिर जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनके बजाय जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनके अंदर एक ऐसी जीन डाली जाती है या फिर ऐसे चेंजमेंट किया जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस टॉक्सिन के खिलाफ, और फिर उस एनिमल को उस टॉक्सिन सब्सटेंस के अगेंस्ट एक्सपोज किया जाता है, यानी उसको आगे उसको वही टॉक्सिन उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर स्टडी किया जाता है कि क्या इफेक्ट हो सकता है, यानी जब वो हद से ज्यादा उसमें सेंसिटिविटी है उस टॉक्सिन के खिलाफ, तब जो रिजल्ट आएगा आप ये बता सकते हो कि हाई एक क्या लेवल हो सकता है कि अगर इसका जो डिसयूज होगा या फिर इसका जो इफेक्ट हो सकते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये टेस्टिंग के लिए भी जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। कुछ इथिकल इश्यूज भी उठते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर, काफी ज्यादा इश्यूज उठते हैं, जैसे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजम्स होते हैं ये इनका जो नेचर होता है या फिर इन ऑर्गेनाइजम्स को हम प्रिडिक्टेबल नहीं होते, ये यानी हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो जीन हमने चेंज किया है उस जीन का क्या इफेक्ट पड़ा होगा और क्या वो ऑर्गेनाइजम बन गया होगा। तो अगर हम उस ऑर्गेनाइज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम के अंदर तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा,
कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा, क्या वो डिजीज भी कॉज कर सकता है. तो इस चीज के लिए सबसे बड़ा इश्यू होता है कि हम डायरेक्टली उसको हम इकोसिस्टम में तो यूज कर ही नहीं सकते जो हम जीन लेते हैं या फिर जो ट्रांसजेनिक होते हैं. जैसे हम क्रॉप्स भी अगर यूज कर रहे होते हैं तो उस क्रॉप्स का अगर हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ किसके साथ कैसा रिएक्शन हो जाए, क्या चीज हो जाए, ये हम प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर बॉडी जो होती है वो अलग होती है. तो उस हिसाब से आप ये नहीं कह सकते जैसे किसी पर्सन को किसी चीज से एलर्जी हो तो वो हो सकता है ट्रांसजेनिक एनिमल या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट जो होंगे उसके अंदर हम वही वाले सब्सटेंस उसके साथ कोई रिएक्शन कर जाए. तो ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है इसमें. तो इसके लिए एक कम्युनिटी बनाई गई है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी. ये एक कम्युनिटी है जो कि हेल्प करती है, फिर ये बताती है कि कौन सी जो जीन्स हैं या फिर कौन सा जो ट्रांसजेनिक मटेरियल है आप उसको मार्केट में ला सकते हो और कौन सा है वो नहीं ला सकते, या फिर कौन सी ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. दिस विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी, यानी वैलिडिटी कितनी है उसकी, ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, यानी कितना आप दे सकते हो. एक फिक्स टाइम होता है, आप इतना ही टाइम आप उस रिसर्च में दे सकते हो. तो उसकी वैलिडिटी जो होता है वो भी इस पे ध्यान रखते हैं. एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनसे पब्लिक सर्विस के अंदर डालते हैं तो उसकी सेफ्टी जो होती है वो चेक करने का काम कौन सा होता है, वो इन कम्युनिटीज का होता है. तो ऐसे सेफ्टी के लिए बनाई जाती है. फिर आते हैं कई बार क्या होते हैं, एक बार केस हुआ था कि राइस जो होती है जैसे बासमती राइस या फिर जो राइस होती है उसकी काफी सारी क्वालिटीज होती है. एंड जो बासमती राइस है इसकी खुद बहुत सारी स्पीशीज होती है या फिर बहुत सारी आपके पास क्वालिटीज होती हैं जो कि इंडिया में बहुत फेमस होती हैं. लेकिन यही सेम चीज जो इंडिया के अंदर पहले से ही ग्रो हो रही थी, वही चीज एक अमेरिकन कंपनी थी और उन्होंने भी वही चीज बनाई, वही बासमती वाले राइस बनाए, लेकिन उसको एक अलग नाम दे दिया गया और वही उनके लिए वो उन्होंने पेटेंट करा लिया अपने नाम पे. तो चीज जो थी वो किसी और की थी और मिली किसी और को. तो ऐसी अगर कोई चीज हो जाती है, यानी जो एक्सपेरिमेंट पहले से ही इंडिया में कर रहा था या फिर उसके बाद जो अमेरिका ने उसको ले लिया है, तो इन सब इश्यूज को भी हैंडल करने के लिए काफी सारी कम्युनिटीज भी होती हैं. और साथ में इसको बायोपायरेसी भी बोलते हैं. ये क्या होता है, यानी आपके पास एक ऑर्डर नहीं होते कि आप उस चीज को उस रिसोर्स को यूज कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप अगर यूज करते हो, यानी ये बायोपायरेसी होती है. इट इज अ टर्म यूज टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइज्म विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल्स कंसर्न. तो ये मतलब लोगों को बताए बिना या फिर आप अगर ये कम्युनिटी है उसको बताए बिना अगर आप कोई भी बायो रिसोर्स अगर आप यूज कर रहे हो तो वो सारे के सारे बायोपायरेसी में आते हैं. या फिर अगर आपको उसका जो एक पेमेंट होती है, आप उसकी कंपनसेटरी जो पेमेंट होती है अगर वो नहीं दे रहे हो, उसके बिना अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो भी उसको क्या कहा जाएगा, बायोपायरेसी. तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है. यही सारे टॉपिक थे हमारे इस चैप्टर के अंदर. आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपको किसी में भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे क्लियर कर दूंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.